नमस्कार आप सभी को। आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इस समय धीरे धीरे सारी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट ने रियायतें दी हैं। लॉकडाउन 4 हमारा चालू हो चुका है आज से, जो 31 मई 2020 तक चलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे जो दुकानें हैं, ज़्यादातर दुकानें हैं वो खोल दी गई हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को सात बजे तक हमें छूट दी गई है कि हम हमारे ज़रूरी जो काम हैं वो निपटा सकें और कर सकें। लेकिन कोविड-19 की महामारी के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ आ रही है, वो सभी जिम ऑनर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि वो लोग अपना ये जो 3 महीने का उनका लॉकडाउन में जिम बंद रहा, तो उसका किराया वो कैसे देंगे, अपने जिम ट्रेनर्स को वो कैसे सपोर्ट करेंगे, और साथ ही अपनी जो EMIs हैं उसको वो कैसे चुकाएंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, बच्चों की स्कूलें खुल जाएंगी बहुत जल्द तो वो स्कूलों की फीस कैसे भरेंगे। इसके ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, जो मेरी मन की बातें हैं वो मैं करना चाहूँगा। जैसे हम बात करें, अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, वैसे बहुत सारी स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स की 3 महीने की जो फीस है वो माफ़ कर दी है और आम जनता को कुछ राहत दी है कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए। मैं उन सभी स्कूल संस्थापकों को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस महामारी के दौरान आगे बढ़कर छोटे बच्चों के भविष्य के लिए सोचा। इसी के साथ में अगर हम बात करें, हमारे जिम ट्रेनर्स भी इस समय परेशान हैं और मकान मालिक भी बहुत सारी जगह पे फोर्स बना रहे हैं कि जिम ऑनर्स उनको किराया दें। यहाँ पर जो है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मकान मालिकों से, बिल्डिंग ऑनर्स से, कि प्लीज़ आप लोग जिम ऑनर्स को सपोर्ट करें। जिम संस्थापक जो होते हैं वो ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं होते हैं, लगभग हम बात करें तो 20 से लेकर 35 साल तक की उम्र के ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो आपको जिम ऑनर्स मिलेंगे, जो पैसा धीरे धीरे कमाकर आप लोगों को आपके बिल्डिंग का किराया देते हैं, आपकी जगह का किराया देते हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इन जिम संस्थापकों से बिल्कुल भी पैसा ना लें। कोविड-19 की महामारी के दौरान जो भी आपका किराया बना है, अगर आप उसमें कुछ रियायत देंगे तो हमारे देश का जो ये युवा वर्ग है, जो कि समाज को स्वस्थ करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा है, उसको एक सपोर्ट मिलेगा। स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने इसी सपोर्ट को बरकरार रखते हुए हमारे जो छोटे बच्चे थे उनको सपोर्ट कर दिया, तो आप लोग क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर सकते। जिम ऑनर्स को कहीं सपोर्ट मिलेगा तो वो एक समाज को सही दिशा दे पाएंगे, क्योंकि युवा वर्ग को अगर हम लोग ज़्यादा खींचतान करेंगे तो कहीं ना कहीं भटकाव होता है उनके, उनको ऐसा लगता है कि जो समाज है वो केवल पैसे के पीछे जी रहा है। ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप अपने जिम ऑनर को कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, उसको किराया माफ़ करते हैं या किराया आधा लेते हैं, या जो किराया उसका बनाए वो आने वाले 12 महीने में, 6 महीने में या 3 महीने की किस्तों में लेते हैं। हम भारतीय शक्ति खेल संघ से हर साल पावर लिफ्टिंग इवेंट्स कराते हैं और उसमें देखते हैं कि जो हमारा देश का युवा है वो अपनी तैयारी के लिए बहुत बार अपने सेक्रीफाइसेस कर देता है, उसके पेरेंट्स बहुत बार ऐसी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो खेलों में भारत देश का नाम रोशन करे, विदेशों में जाके खेले। अगर हम बात करें तो विदेशों में जाके खेलने वाले बच्चों ने, भारत के बहुत सारे बच्चों ने भारत देश का नाम रोशन किया है। जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में रहकर उन्होंने आपको किराया दिया है और वहीं से उन्होंने अपना धीरे धीरे मेहनत करते हुए दिन में 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करते हुए, बाकी सभी कस्टमर्स को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए भारत देश का भी नाम रोशन किया है।
बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, चेस में, बहुत सारे ऐसे खेल हैं। और खेलों को जो बढ़ावा मिलता है वो जिम से ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आता है, अपना नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है और बाकी जाके ग्राउंड पे अपनी तैयारी करता है। मैं भी बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अपनी मसल ग्रोथ के लिए हमारे पास पहुँचते हैं। कुछ बच्चे शूटिंग क्लासेस के भी होते हैं जिनका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बॉडी के अंदर मसल ग्रोथ ना हो पाने की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं जिम ऑनर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो पोलाइटली अपने बिल्डिंग ऑनर्स को ये बात बोलें, वीडियो दिखाएं, उनसे थोड़ा सा राय मशवरा करें, उन्हें आने वाले दिनों में जिम से ही इनकम करके किराया देने की कोशिश करें। आप लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि इस समय देश को आप लोगों की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं पहुंच सकते। मैंने देखा है कि बहुत सारे बिल्डिंग ऑनर्स ने मजदूरों को खाना खिलाया, उन तक राशन पहुंचाया, सूखा राशन पहुंचाया, रात को 12-12 बजे तक उन्होंने मेहनत की। तो आपके साथ में रहने वाले ये छोटे बच्चे आपके लिए छोटे ही बच्चे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग ऑनर्स भी अगर हम बात करें तो 45 से अबव ही आपको मिलेंगे, और जो जिम ऑनर्स होंगे वो 35 के आसपास के, 30-35 साल के बंदे होंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि इनको भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। यहाँ पर हम आपसे ही सपोर्ट चाहते हैं, और आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो देश का युवा जो है वो एक अच्छी जिंदगी को जीते हुए समाज में अपना ट्रस्ट बनाते हुए आगे की जिंदगी निकाल सकता है। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि मैंने एक कहीं कहानी पढ़ी थी जिसमें जापान की टैक्सी ड्राइवर रात को 12 बजे एक इंडियन को लेकर उसके होटल तक छोड़ने जा रहा था, उसके बिजनेस हाउस से। रास्ते में जैसे ही वो लोग जा रहे थे, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास रेड लाइट क्रॉसिंग आई, मेन चौराया आया। मेन चौराया पे रेड लाइट, जब टैक्सी जा रही थी तो रेड लाइट हो रखी थी, तो टैक्सी वाले ने रेड लाइट पे अपनी टैक्सी को रोक लिया। हमारे इंडियन एज यूजल, भाई इसको क्रॉस कर लो, रेड लाइट ही तो है, इस समय कोई पुलिस वाला भी नहीं है और यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है, तो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। वहीं उस जापानी टैक्सी ड्राइवर ने बोला, नहीं मैं क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं दूर किसी बिल्डिंग में अगर किसी छोटे से बच्चे ने भी अगर देखा कि मैंने रेड लाइट को जंप किया है, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है वो भी रेड लाइट को जंप करेगा। इसी सोच को हमें बढ़ावा देना है, देश के युवा वर्ग को अपने साथ लेके चलना है और उनके साथ में ही हमें कार्य करना है, काम करना है। आप लोग प्लीज जिम ओनर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करें, उन्हें टेंशन ना दें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, कोशिश करें कि आप लोग जो भी किराया आपका बनता है हम लोग बना नहीं करेंगे हमारी तरफ से, लेकिन आप लोग उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप हमें ऑब्लाइज करते हैं, हमारा किराया माफ़ करते हैं या आधा करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन होगा, एहसान होगा हमारे ऊपर, और हम लोग उसको जिंदगी भर याद रखेंगे कि इस COVID-19 की महामारी के दौरान आपने इस तरह का सहयोग किया था। आप लोग अपनी स्टोरीज मुझे भेजें, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं पब्लिश कर सकूं। अच्छी स्टोरीज के साथ में मुझे फोटोग्राफ्स भी चाहिएंगी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।